इतवार को बच्चा सब खेल रहा था 2 से 3 बजे के बीच में, सरसों के झाड़ी को रबड़ में बांध बांध के घींच के तीर धनुष जैसा चला चला के टीवी सीरियल जैसे देखता उसी में चला चला के और भीग रहा था, उसी में बच्चा को आंख में जाके चुभ गया, चलाया जैसे ही और आंख में चुभ गया। जब बच्चा का आंख पूरे फट गया तो कहने के मतलब सरकारी हॉस्पिटल का सहारा लेके 108 नंबर पे लगाए टॉल, तो उसके बाद वहां से हमको एम्बुलेंस मिला। एम्बुलेंस से भारती कश्यप को से बात की तो बोले कि आप लेके आए यहाँ पर, उसका इलाज हो जाएगा। तो हम भारती कश्यप के पास रांची लेकर के आए। आयुष्मान कार्ड के तहत बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को ऑपरेशन हो गया, अच्छा ढंग से इलाज हो गया। अभी कैसा लग रहा बेटा? अच्छा। अच्छा ये बताओ, जो तुम सरसों के लकड़ी से तीर धनुष बना के खेल रहे थे, तो ये तुम कैसे सीखे, कहाँ से देखे? कहाँ से देखे तुम ये सब? टीवी सीरियल रामायण में देखे थे। तो वो भगवान जी है, उनके पास देवी शक्ति है, तुम भगवान नहीं हो, तो तुमको आगे से ये सब नहीं करना है, समझ गए? देखिए, आजकल लॉकडाउन के दौरान मशहूर धारावाहिक रामायण और महाभारत का फिर से प्रसारण शुरू किया गया है, तो इस तरह के धारावाहिक का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव यह है कि पारिवारिक ढांचा जो है उसके भावनात्मक पक्ष को ये मजबूत करता है। नकारात्मक यह है कि भगवान को और राक्षसों को तीर धनुष चलाते देखकर छोटे बच्चे भी तीर धनुष चलाते हैं और उससे खेलना शुरू करते हैं, जिससे आंखों पर बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इस तरह से लॉकडाउन में कई बच्चे हमारे पास आए हैं जिनकी आंखें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एक और सीरियल शक्तिमान है, इसको देख कर करके शक्तिमान की तरह बच्चे छत पर से नीचे कूद गए हैं कई बच्चे, और इससे भी उनकी आंखों पे काफी चोट पहुंची है। तो अभिभावकों से हम अनुरोध करते हैं कि बच्चे सीरियल देखते हैं उनको ये समझा दें, टीवी सीरियल का वो अनुकरण ना करें, और जो वास्तविक जिंदगी है उससे वह अलग है। बच्चा जब हमारे पास आया था तो उसकी पुतली, लेंस और रेटिना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। पुतली फट गई थी, उसको हमने रिपेयर किया और मोतियाबिंद बन गया था चोट की वजह से, उसको निकाला और रेटिना और विट्रियस को रिपेयर किया। कुछ दिनों बाद इसकी आंखों में हम कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बाद इसकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। बेटा अभी ठीक हो? ठीक लग रहा है आपको? यस। जो चोट लगी थी उसके पहले दर्द हो रहा था, अभी उससे थोड़ा कम है? यस। आप तीर धनुष से नहीं खेलोगे ना? यस। आप तीर धनुष से नहीं खेलोगे ना बेटा? नहीं। कभी नहीं खेलोगे? और अपने ग्रुप के दूसरे बच्चों को भी समझाओगे कि तीर धनुष से नहीं खेलना है? ठीक है।